हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएफ डिपार्टमेंट ने फील्ड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो आधार कार्ड को एज ए वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ट्रीट करें, और जिससे कि जो भी लेबर डिपार्टमेंट है या फिर जो भी लेबर्स हैं उन वो केवाईसी अपनी अच्छी तरीके से करा सके। सो यहाँ पर जो लेबर मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं संडे को, इसमें कहा गया है कि आपके जो आधार कार्ड है और जो पीएफ के डाटा बेस में अगर जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 3 साल का है, तो आप एज पर आधार जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे करेक्ट करा सकते हैं, और आधार के बेस पे पीएफ के डाटा बेस में आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन आधार विल नाउ बी एक्सेप्टेड एज वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर द पर्पज ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड दैट द डिफरेंस इन द टू डेट्स इज लेस देन 3 ईयर्स। यानी कि दोनों जो आधार एज पर आधार जो डेट है और जो एज पर पीएफ डाटाबेस है उनमें मैक्सिमम डिफरेंस 3 साल का होना चाहिए, और ये जो डेट करेक्शन की एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी एज पर आधार डाटाबेस डेट ऑफ बर्थ होगी वो वहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट ऑनलाइन एक्सेस करके वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो केवाईसी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफ़िल हो सकती है। सो यहाँ पे बेसिकली जो केवाईसी की रिक्वायरमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्कीम निकाली थी कि जो भी आपका 75% आपका पीएफ में पैसा है जो कि नॉन रिफंडेबल एडवांस है वो, या फिर 3 महीने की आपकी सैलरी के बराबर उन दोनों में से कम होगा तो वो आप विड्रॉ करने के लिए अलाउ किया गया था। लेकिन उनके उस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट थी केवाईसी, तो लोगों को यहाँ पर केवाईसी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पीएफ के अंदर इनकरेक्ट थी, और उसको करेक्ट करने के लिए वहाँ पे एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिया नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पे पीएफ के डाटाबेस में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करानी है तो वहाँ पे या तो पासपोर्ट देना होता है या फिर कोई स्कूल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है इस स्टेप के बाद यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी केवाईसी को कम्प्लीट करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।